चलो भाई आसका हो गया, लॉकअप में बैठ जाओ जाके। ओके मैडम। मैडम 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 क्या हो गया? अरे मैडम जी बड़ा गजब हो गया। अरे उन लड़कों ने मेरी बेटी को के? अरे मैडम जी मेरी बेटी जो है लैब में थी और वो लड़के जो है भूत बनकर आए और उन्होंने मेरी बिटिया को डराया। हमारी बिटिया इतना डर गई है कि मैडम वो तो सदमे में आ गई है। मार्केट में नया टीवी आया है। टिंग टिंग टिंग। अरे समझाने के बाद भी इन लौंडों ने यो हरकत करी। चंद्रमुखी चौटाला किसी भी छोरी पर किसी भी तरह का अत्याचार कतई ही बर्दाश्त न करेगी। ईब मैं उन दोनों लड़कों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उनकी सात पुस्तें याद रखे। ये जो ये? तेरे पास दो दो कलर की चटनी है क्या यार? गोपी तूने मुझे चटनी दी नहीं। सुनो भाई सनी इधर इनको चटनी दो उधर। कोई नहीं कर दी हल यार। मैं दे देता हूँ चटनी, मैं देता हूँ। ये होना बात है। बेस्ट हो गया यार, उन्हें ना ये दुकान खोल ली, बेस्ट हो गया। मतलब अब समोसे खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ भैया अब देखना आप इतने पैसे कमाएंगे कि बहुत अमीर हो जाएंगे आप। तो बस कर यार, बस कर। इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी यार, बस कर। गुलगुले समोसे के पैसे दे देना भी खा के है। कैसी बात कर दी यार तूने गोपी, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? अभी सैलरी मिली नहीं है ना यार, वो सैलरी मिलने तो सबसे पहले पैसे तेरे मुंह पे मारूंगा। हाँ यार टाइम पे पैसे दे देना, क्योंकि मैंने ये दुकान खोली है ना वसूली पठान से उधार लेके खोली है, उसके पैसे वापस भी तो करने हैं ना। अरे तिवारी जी मैंने आपसे कह दिया ना उन दोनों लड़कों को मैं सही कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। अरे वो आपको इतना ना सता रहे होंगे जितने आपने मन ने फोन करके मन ने सता दिया कतई। हाँ अंकल जी रिलैक्स करो, मैं हूँ यहाँ। ओके जी हाँ सब। बिना एक नंबर की बोली है मैडम। गोपी ने अपनी खुद की दुकान खोल लिया मैडम। अब यहाँ पर समोसा कचोरी जलेबी कोल्ड ड्रिंक चाय सब मिलेगा, सब सब। अब मैडम जो भी लोग चौकी आएंगे ना उन्हें पहले भैया की दुकान से कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। हाय दुकान खोल ली, किसकी इजाजत से हुआ है यो छपरी? मम्मी जी कमिश्नर साहब ने खुद मुझे इजाजत दी है जी, उन्होंने कहा मैं यहाँ छोटी सी दुकान खोल लूं। ये देखिए उनका साइन किया हुआ ये लेटर भी है जी। कमिश्नर साहब ने ये इजाजत दी कैसे? वो मैडम जीजू से ना भैया की एक घड़ी टूट गई और वो घड़ी 2.5 लाख रुपए की थी, तो फिर उन्होंने नुकसान पूरा करने के लिए ना भैया को चौकी में दुकान खोलने की इजाजत दी। ऐसा है? यो सब बेकार की चीजें छोड़, जिस काम के लिए वर्दी पहनी है ना उस काम पे कंसंट्रेट कर, जिसके लिए सरकार से पगार मिल रही। और एक बात मारी याद रख, जो आदमी दो नाव पे पैर रख के मौज मनाने के उसमें रह रहे ना वो हमेशा पानी में गिर के डूब जावे। और तू तो जरूर गिरेगा और डूबेगा भी कंफर्म, क्योंकि थारा तो टायर ही पंचर है। Well. बंद कर इसे समेट, ठीक है काम पे ध्यान दे, मान जा हमारी बात। मम्मी जी आपकी कही हुई बात मैं कैसे टाल सकता हूँ जी? Yes. पर ये टालूंगा जी। ला,
प्लीज मजबूरी है जी, मजबूरी है, प्लीज चाह पियोगे? सॉरी सॉरी। तुमने भी खोल लिया क्या पान की दुकान यहाँ पर? नहीं। ये ये। नहीं। तो दे लो काम पे ध्यान जरा। बोले 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 बोले। उन दोनों लौंडों को सबक सिखाने से पहले उनके रिस्पेक्टिव बापू ने बुला के लाया यहाँ चौकी में। ये 250 ग्राम जलेबी भेजना। कैंसिल भैया। एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ है? यहाँ ना। अच्छा, ओ थैंक यू। Excuse me, मैडम, मैं फादर हूँ, सर खुजा के। तो आप ये भी बता दीजिए कि आप किसके फादर हैं? बच्चों का। किसके बच्चों के फादर हैं? पड़ोसन के बच्चों का। Oh my God! मॉम, ये खुलेआम कह रहा है, ये है पड़ोसन के बच्चों का फादर इस दा। हसीना है अगर तकिया है तो मैं हूँ चादर इसदा। समोसे खाएंगे जी? तकिया उधेड़ दूंगी, चादर फाड़ दूंगी और समोसों ने कूच दूंगी मैं। आया बड़ा बीच में बोल रहा दुकानदार कहीं का। और तुम्हें शर्म ना आती? पड़ोसन के बच्चों के फादर चल रहे हो और वैसे जो है सीना ठोक के कह रहे हो वो बात। हाँ तो मैडम, उसमें शर्म की क्या बात है, पड़ोसन मेरी बीवी है। क्या? आपकी बीवी आपकी पड़ोसन है? पड़ोसन माने मेरी बीवी का नाम है। मेरी बीवी का नाम है पड़ोसन, सर खुजा के, राइट? और मैं उसके बच्चों का बाप हूँ। उनका नाम है देहरा और दून। ओह, मतलब देहरा और दून भाई हैं? हाँ, सगे, वन ब्लड। अरे तो यो पहली बात बोलो ना यहाँ आके। एक छोरी आई थी अपने डैडी के संग, यहाँ FIR लिखा के गए दोनों तुम्हारे होनहार बालकों के खिलाफ। तुम्हारे लौंडों ने खूब छेड़छाड़ करी छोरी के संग। अबे स्टूडेंट है इसलिए अभी तक छोड़ रखा, वरना जेल में ठूस देती और हड्डियों का बनाती चूरमा में। अच्छा किया मैडम आपने, अच्छा किया कि उन दोनों को आपने जेल में नहीं डाला। ये, ये। क्योंकि मैडम, जब मैं मेरे बेटों की उम्र का था ना, तब मैंने भी एक लड़की छेड़ी थी। तब के दरोगा ने मुझे जेल में ठूस दिया था और वहां पे एक जेब कतरा था, उसने मुझे ये जेब काटने की कला सिखाई थी मैडम। तब से ये आदत मुझे पड़ गई है। ये लीजिए आपका बटवा। मैडम ये तो मेरा बटवा है मैडम, मतलब इसने मेरा बटवा चुराया और मुझे पता भी नहीं चला। ऐसा है? एक्सक्यूज मी मॉम, साहब साहब चाय। ओ थैंक यू वेरी मच, आई लव इट। आहा वाह। मैडम आप मेरे बेटों को है ना सबक सिखाइए, ऐसा सबक सिखाए कि वो आज के बाद लड़की ना छेड़े। चलो कम से कम मन इस बात की खुशी है कि इस फादर को यो एहसास है कि इसके बेटे कितने बिगड़ैल हैं और उन्हें सबक सीखने की जरूरत है। या आई एम ब्रॉड माइंडेड। तो सही है। देखो मैं तुम्हारे इन दोनों बेवकूफों ने कैसा सबक सिखा दे। चलिए अंकल निकलो तुम। साहब 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 साहब, आपका गिलास। थैंक यू। नहीं नहीं साहब, ये चाय के 10 रुपए। 10 रुपए? मैंने ये फ्री की चाय नहीं थी? नहीं नहीं, ये फ्री की चाय नहीं, मेरी दुकान की चाय है, ये 10 रुपए की चाय है। अरे यार, माय गॉड, मेरा बटवा कहाँ गया? ये लीजिए। ओ, ये आपने कब मार लिया? अंकल जी तुम अगर खिलाड़ी हो ना तो यहाँ मैं पूरा का पूरा खेल हूँ।
बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया है। गुड गुड, ये लीजिए। ठीक है ठीक है, समोसे खाएंगे? अरे दस ही थे अभी, छोड़ ना। वाओ, दुकानदार कहीं का। लड़की अच्छी लगती है। तैयार आ रही है। ए तिवारी, करेले जैसा मुंह क्यों बनाया है? करेला लेके आई क्या? नमस्ते। चली गई, ये गुस्सा ही रहती है हमेशा। बुरा मान गई। हेलो बेस, लगता है तुम तीनों यहाँ पर नहीं आई हो। मैं नींद में काटता हूँ। अभी मत काट। सुनो, हमसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी चप्पल पहन के। माई सेल्फ दहरा। मैं दून। इसका क्या मतलब है कि देरा और दून ना मीन्स मीन्स की देरा दून ना? तो फिर मेरा भी तो ऐसा ही नाम है ना, मनाली। और मैं शिमला। ओके, शी इज लिटिल रूड। मैं ऊटी। रहती है सबसे रूठी ये। सब ठंडा ही ठंडा हो गया ना। वैसे शुरू शुरू कितने मजे की बात है ना, तुम दोनों देहरादून और मैं मनाली और ये शिमला, ये ऊटी। लेकिन पता है, सुनो सुनो, मुझे पता है क्या लग रहा है कि हम तो लग रहे हैं हिल स्टेशन, तो हम तो हैं ठंडी ठंडी मतलब प्लेजेंट वाली लड़कियां। लेकिन इन दोनों की शक्ल से ना ये मुझे देहरादून नहीं लग रहे हैं। ये पता है मुझे क्या, तू बता ना ये क्या लग रहे हैं? तू तो बड़ा अच्छा बताती है, बता। ये जो है ना ये वाला, ये तो इसकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे रेगिस्तान। और इस वाले की शक्ल ना जंगल है, जंगल। ओ देहरा, हाँ दून, मुझे इस टाइप का फील हो रहा है कि ये बहुत बेइज्जती कर रही है हमारी चप्पल पहन के। चल हट। ए लड़कियों, क्या तुम ना हम दोनों को जानती नहीं हो? हमसे है ना पंगा मत लेना। क्यों नहीं? हम बहुत खतरनाक लोग हैं। खतरनाक? हाँ खतरनाक बोल रहा है। प्लीज, मुझे नहीं लगता, लगता भी नहीं मुझे। मुझे ना ये खतरनाक नहीं लगते, मुझे बल्कि पता क्या लग रहे हैं, मुझे ना ये दूध पीते बेबीज लग रहे हैं, छोटे छोटे। वो भी किसके पता है? बकरी के गोट। दूध की बोतल लाऊं क्या? हाँ मनाली, साथ में वो झुनझुना भी ले आएंगे। ये देहरा, ये तीनों मुझे कुछ अलग टाइप की लग रही हैं। क्लास में निकल ले। कहाँ से? इधर बाजा, इधर से चलना। Go for it.
शर्मा जी की क्लास पढ़ लेते फिर निकल लेंगे अपन लोग आराम से पिक्चर देखने। और क्या ना वो बहुत पिटाई करते हैं यार देहरा। हाँ तून ये तीनों भी अपनी क्लास में है। छोटे तू है ना चिंता मत कर, क्लास के बाद इन लोगों को सबक सिखाते हैं। ये ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये नहीं हुए खड़े मैं हूँ शर्मा मास्टर, एक हाथ में बांध कर प्लास्टर, फ्रिज करंट मारता है। देहरादून जो बच्चे मेरी क्लास में खड़े होके मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते उनका मैं क्या हाल करता हूँ ये तुम दोनों जानते हो ना। बैड बॉयज खड़े हो, जल्दी खड़े होके गुड मॉर्निंग बोलो। उठो ना। किसी ने हमारी सीट पर गम लगा रख गम लगा रखा है। लेकिन यार उठना तो पड़ेगा ही ना, वरना शर्मा सर मुर्गा बना देंगे। चल उठ। तुम दोनों बदतमीज लड़कों का मैं अब क्या हाल करता हूँ ये देखना तुम। शर्मा जी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। चल हट। वाओ 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 वाओ। जी कहिए मिसेस शर्मा। मतलब मिस माला। मतलब प्रिंसिपल साहिबा। शर्मा जी मेरे साथ चलिए ना पल्लू पकड़ के। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी चलिए ना। सॉरी बोल देते ना। सॉरी देहरादून प्लीज। बुरा मत मानो ना प्लीज। हमारी तो फिर मजाक करने की आदत है ना शिमला रोटी। बोलो ना। हम नहीं करेंगे दोबारा से कुछ भी। हाँ देखो ना कितना मजा आएगा ना, हम सब मिलके कितनी सारी मस्ती करेंगे ना, और फिर हम लोगों में से कोई भी तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाएगा, कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगा, प्रॉमिस। बे निकल बाहर यहाँ से, शक्ल देखी तूने अपनी? बंदर भी तेरे से खूबसूरत है। गधे के सामने तुम दोनों को ले जाके खड़ा कर दूँ ना तो गधा बाजी मार जाएगा। चले आए हैं मुंह उठा के मेरी फिल्म में हीरो बनने, निकाले इनका यहाँ से मेरी फिल्म में। कुछ हुआ? कुछ हुआ था क्या? देखा कितना अच्छा करा ना, सब लोग ताली बजाओ ना। बस 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 बस, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं ना हमको बोलते हैं थ्री मस्केटियर्स, क्योंकि ये एक्टिंग करती है, मैं गाना गाती हूँ और ये खाना खाती है। एक्टिंग थी। कर लो ना फिर दोस्ती बन जाएं फ्रेंड्स।
लाओ हाथ दो।